आपने लास्ट व्लॉग देखा होगा, ये मेरा सेकंड व्लॉग है, सेम डे सेम एवरीथिंग। अभी अभी लंच किया है, तो मैं आपको बता दूँ मैं अपने ही लुक से बोर हो गई थी, तो थोड़ा सा चेंज आप कर सकते हो, तो थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश करी खुद के लुक को, क्योंकि करते रहना चाहिए, बहुत अच्छा होता है, आपका माइंड काफ़ी रिफ़्रेश फील करता है, खुद भी आप रिफ़्रेश फील करते हो। और कोई फ़ोन कर रहा है? कितने सब लोग रेडी है मेरा न्यू लुक देखने के लिए? और क्या सोचते हो कैसा रहेगा मेरा न्यू लुक? मैं भी एक्साइटेड हूँ अपने न्यू लुक के लिए, बट लेट मी नो बिलो इन कमेंट बॉक्स कि आप कितना ज़्यादा एक्साइटेड हो। और बहुत सारी एक्साइटमेंट मेरे अंदर अभी छुपी है, लेट्स सी कि मेरी एक्साइटमेंट सही मतलब वो करे, लाइक अच्छा हेयर कट आए, अच्छा लुक आए और सारी एक्साइटमेंट मेरी सफल हो जाए, तो लेट्स सी। और लगभग 2-2.5 घंटा लगेगा, तो इस समय 2 ऑलरेडी बज रहे हैं। और आज आपको बता दूं कि अनिका जो है नवरात्रि का एक मतलब वो उसके स्कूल में सेलिब्रेशन था, तो वो नवरात्रि डे के लिए अच्छे से बनकर गई है, तो आज मैं उसे लेने नहीं जा पाऊँगी। एक्चुअली मुझे उसे लेने भी जाना था, बट आज मैं नहीं जाऊँगी, आज जा पाएंगे, तो वो चीज़ मुझे थोड़ा सा लग रहा है कि अरे ये मिस हो गया, पर चलो उसके लिए भी एक सरप्राइज़ रहेगा कि मम्मा कुछ मतलब न्यू दिख रही है। उसे कितना ज़्यादा अच्छा लगेगा मुझे भी नहीं पता, मैंने उसके साथ शेयर भी नहीं किया था कि मैं हेयर कलर वगैरह लेने जा रही हूँ, मैंने ये सब चीज़ें भी शेयर नहीं की थी, लेट्स सी। और प्लानिंग वगैरह सब हम लोगों ने अभी बैठकर थोड़ा सा डिस्कस किया है, मैंने अपने हेयर स्टाइलिस्ट से भी डिस्कस किया है जो इस समय मेरे बाल काट रहे, तो उनके साथ डिस्कस किया है, देखते हैं जो डिस्कस किया था। थोड़ा नीचे देखना पड़ेगा। श्योर श्योर, तो अब मैं नीचे देखकर ब्लॉक करूँगी, तो चलिए मैं थोड़े देर के बाद आपसे बात करती हूँ, ठीक है? अच्छी वाली किरण, आपको न्यू वाली किरण देखती है ना, लाइक कर दो क्विकली, ठीक है? और कमेंट बॉक्स खुला है, जल्दी से बताइए, और नीचे जाना है मुझे, बाय बाय। इंतज़ार करना पड़ेगा, पता नहीं कैसे मैं व्लॉग स्टार्ट करती फ़ोन बजने लगता है, एक मिनट लीजिए। ओके, तो फाइनली अभी हमें कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, होपफुली राज तो बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करेंगे। तो देखिए कुछ ऐसा हाल है मेरा, और लाइफ में फ़र्स्ट टाइम मैं कलर कर रही हूँ, कैसा लगेगा क्या लगेगा, वो डाई वाला कलर मैंने बहुत किया है। ये म्यूज़िक कहीं डिस्टर्ब तो नहीं कर रहा आपको? नहीं, बस ये क्राउन एरिया में मेरे बाद सफेद है। चलेगा चलेगा, बस हम लोग को थोड़ा सा टाइम लगेगा वो प्रोसेस करने के लिए, ओके, बाकी हो जाएगा, बट अपन अच्छे से वो रखेंगे ना, हाँ, तो अपने को इवेंट होना आएगा। ओके, सोचा जा रहा है क्योंकि अभी भी 20-30 मिनट्स बाकी है, बहुत सारी डिस्कशन हो गई, डिस्कशन ख़त्म हो गई है अभी हमारे पास, अभी क्या डिस्कस करें जाने अभी हम क्या डिस्कस करें, लाइक हमने सारे चैनल्स की हिस्ट्री और फ्यूचर सब हमने डिस्कस कर दिया, और थोड़ी सी चुगली भी कर ली है क्योंकि वो लड़कियों की आदत होती है, तो थोड़ा सा तो बनता है, वो भी हो गई है, अभी करें क्या वो सोच रहे हैं,
अभी अभी हमने टैंक भी मंगवाया है, तो टैंक आएगा तो उसके साथ 10 मिनट स्पेंड करेंगे ऐसे ही, मतलब जोड़ रहे हैं हम लोग कि क्या करें। और जानवी ने तो मुझे बहुत अच्छा सजेशन भी दिया था कि चलो पब्लिक रिएक्शन कैच करते हैं, मैंने बोला नहीं मेरे में इतना गट्स नहीं है, नहीं तो वो भी कर लेते। तो बस अभी यही चल रहा है कि क्या करें। ओ मैगजीन, थैंक यू। तो बंच ऑफ मैगजीन आई है, होपफुली इस पूरे टाइम में हम पूरी मैगजीन पढ़ लेंगे। ये तापसी पन्नू हर जगह क्यों है? दो मैगजीन में तापसी पन्नू है, खुशी। ये कौन है जानवी? समझ में भी नहीं आ रही बेटा। अच्छा जानवी ये कौन है? ऐसे स्टूपिड गेम्स खेलते जो आपके पास बहुत टाइम। तो ये है अपनी सारा अली खान, मुझे बहुत अच्छी लगती है, आपको कैसी लगती है बताइएगा। ओ फैशनिस्टा, मुझे बहुत अच्छी लगती है। अगेन सोनम कपूर, मुझे नहीं पता ये कौन है, पहले मैं देख लूँ अगर कोई फेमस सेलिब्रिटी हो और मुझे नहीं। हाँ वो ठंडा चाहिए या सादा चाहिए? ठंडा। सो आपको अगर पता है कि ये कौन है तो बताइएगा, ठीक है? मुझे नहीं पता है, पता जानवी? नहीं। ऐसे तो नहीं किसी फेमस सेलिब्रिटी को मिस कर रहे हैं, क्योंकि दिख तो बहुत ब्यूटीफुल रही है। और लास्ट में गिफ्टिंग, क्या चाहिए जानवी दिवाली में? गिफ्ट सब सब चाहिए। जॉब चेंज। ये पता नहीं हुआ कि वैसे आप टीम ऋतिक हो या टीम टाइगर श्रॉफ हो? वॉर देखी मैंने, फर्स्ट डे सेकंड शो वॉर का देखा मैंने, और फुल मूवी में डिशुम 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 सस्पेंस, और कोई मूवी का मतलब ऐसा वो नहीं है एक किसी आतंकवादी के पीछे भागा जा रहा है और आपको एक सस्पेंस खुलता है एंड ऑफ द मूवी में एंड ऑल, यही सारा चल रहा है। वॉर पिक्चर देखे, ओके थी, बहुत अच्छी मूवी थी, ओके थी, वन टाइम थी। और टाइगर श्रॉफ का बहुत अच्छा एक्शन है स्टार्टिंग में, डिशुम डिशुम बहुत खतरनाक वाला, मुझे वन टाइम लगी बट मुझे अच्छा लगता है टाइगर श्रॉफ। लेट्स सी और क्या है। ओ ये कार्ड काश असली होता। किस तो है एक सेकेंड। नो जॉब चेंज। हम लोग जानवी को शिफ्ट कर रहे हैं अंबानी के घर, क्योंकि इतना सारा गिफ्ट मांग रही है दिवाली में, कामा सैंडल और पता नहीं क्या क्या है। शिफ्ट तो अंबानी से। चलो मैं ये मैगजीन देखूँ कितना पढ़ पाती हूँ, कितना ख़त्म कर पाती हूँ। लेट्स सी, फिर मैं आपको बताती हूँ कि मैंने क्या क्या पढ़ा, ठीक है? मैम ये पानी पी रही है। संस्कारी हूँ मैं, बहुत संस्कारी हूँ, यही पीती हूँ मैं। करके मत देखिएगा कि क्या बुक आया है, फॉरवर्ड नहीं करना है, फॉरवर्ड करेंगे और पेशेंस
फॉरवर्ड नहीं करना है ठीक है। फाइनली आप सबने मेरा न्यू हेयर कलर और हेयर स्टाइल देख लिया। आई रियली होप आपको अच्छा लगा होगा। मुझे थोड़ा सा इसके साथ कंफर्टेबल होने में थोड़ा घंटा लगेगा क्योंकि आपको जैसे डिस्टिंग कर जाओ ना तो खुद उस चीज़ के साथ कंफर्टेबल होने में थोड़ा टाइम लगता है। मुझे थोड़ा टाइम लगेगा और मैं सुपर डुपर एक्साइटेड हूँ मेरा ये जो अनिका और राज के साथ शेयर करने के लिए। तो उनका भी रिएक्शन हम लेंगे कि उनका क्या रिएक्शन रहता है, क्या वो बोलते हैं। और बहुत अच्छा लग रहा है, मैंने आज से पहले कभी ऐसा नहीं किया था आपसे। मैंने बोला ना कुछ अलग लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं नहीं हूँ। क्योंकि जब मैंने खुद को देखा ना मेरा में ना मुझे रियलाइज़ हुआ कि बहुत डिफरेंस है। तो चलते हैं घर, काफ़ी मतलब समय यहाँ पर चला गया है। और एक कैमरा एक्चुअली हम लोग डिस्चार्ज कर चुके हैं, अभी सेकंड कैमरा से शूट हो रहा है। बताना प्लीज आगे से कैसा लग रहा है, लुक कैसा लग रहा है, लेंथ थोड़ी कम की है वो कैसा लग रहा है, सब बताना ठीक है। चलो घर चलो। सो मैं आ चुकी हूँ घर और देखिए बात थोड़े से तो उलट पुलट हो चुके हैं, मुझे सबका रिएक्शन भी लेना है। और लाइट कुछ ज़्यादा ही है यहाँ पर इसलिए थोड़ा सा बालों का कलर नहीं आ रहा है। आ तो रहा है, आ रहा है ना, लेंथ पे काफ़ी कम कर रही है। मैं सबका रिएक्शन लेने के लिए मैं एक्साइटेड हूँ। उसमें ज़्यादा है तो बाल का लेयर स्ट्रिप लिया नहीं, उसने कम कम लिया था क्या? नहीं, उसने ऐसे ऐसे वेविंग वाली पोर्शन से लिया था। एक्चुअली घर आने के बाद देखिए मेरे हेयर कलर पता ही नहीं चल रहा है। मैंने लिफ्ट में नोटिस किया था एक्चुअली ये चीज़, पर अभी राज ने भी नोटिस किया कि हेयर कलर पता नहीं चल रहा है। और वहाँ पर इतनी लाइट्स थी कि ऐसे चमक रहा था, इतना चमक रहा था कि मेरा हेयर लाइट में ऐसे दिख रहा था। उसमें बहुत कम कलर लगा है, ज्यादा लगा लेंगे ना, आधे बालों में लगाना चाहिए। 25 उसमें फॉइल्स लगाए हैं। तो ठीक है, फॉइल्स में बाल कितने ले रहे होंगे? उसमें वो उनका जो कंघी होता है ना उसमें से ऐसे ऐसे वेविंग करके कलर लगाया था। अभी इन लोगों को ज्यादा करके लगाते हैं लेकिन ज्यादा बाल है लेकिन थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट मुझे भी लग रहा है। 700 रुपए लिए उसने राइट। और ये पूरी तरह से राज ने वो किया था जाकर कि ऐसे करो वैसे करो, फिर राज घर आ गए थे। मुझे भी लग रहा है आप आ गए और क्योंकि राज एकदम खड़ा होकर पूरा करवाते कि नहीं मुझे ऐसे ही चाहिए ऐसे ही चाहिए। मुझे भी लग रहा है अनिका की म्यूजिक क्लास चल रही है एक्चुअली, तो ये उसी का आवाज़ है। तो चलिए फिर ये था मेरी फैमिली का रिएक्शन। राज को थोड़ा सा हेयर कलर के लिए डिसअपॉइंटमेंट है। और हेयर कट कैसा लग रहा है? हेयर कट तो मतलब लेंथ तुम्हारा भी ठीक हो गया, लेंथ में इतना ही चाह रहा था। पर उसने हेयर कट भी इतना अच्छा नहीं किया है ना। हेयर कट में उसने क्या किया, सिर्फ ये ऐसे कट कर दिया। इसमें कोई फिर उसके सीनियर स्टाइलिस्ट कहां से हुई हो? मैंने उससे ये चीज के लिए थोड़ा सा आर्ग्यू भी किया था। ये लोग कहना है तुम स्टाइलिस्ट बोलोगे तो भी उसी को भाई खड़ा करेंगे, सीनियर स्टाइलिस्ट बोलोगे तो भी उसी लड़की खड़ा करेंगे, और क्रिएटिव डायरेक्टर बोलती ना तो भी वही लड़की आती। पैसा बढ़ता जाता हम लोग। मैं वहाँ पर 5-6 आज थी और वहाँ पर वो 3-4 ही थे। और मुझे नहीं लगता कभी क्रिएटिव डायरेक्टर बन जाते हैं, कभी स्टाइलिस्ट बन जाते हैं। ये बात आपने 101% से। हाँ, हम लोग पहले एनवी में गए थे, वहाँ पर एक्चुअली कुछ अलग इंसिडेंट हुआ था। उन्होंने सीधा महंगे महंगे वाले ट्रीटमेंट बता दिए थे, ये नहीं देखा कि मेरे बाल कैसे तो हैं, कौन सा लुक अच्छा। 7,500 रुपए बिल बनाया। हाँ, इसने 5,700 बनाया। कोई नहीं, कोई बात नहीं। तो चलिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करिएगा। मैं यहाँ पर ख़त्म कर रही हूँ, अनिका बिजी है अपने म्यूज़िक क्लास में इसलिए उसका रिएक्शन नहीं बता पाऊँगी, पर नेक्स्ट व्लॉग में दिखा दूँगी ठीक है। चलिए फिर बाय, टेक केयर।